दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मंगलवार को शाहपुर में भाजपा नेता कमल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों में से एक को भी सुक्खू सरकार ने पूरा नहीं किया और अब कांग्रेस सरकार प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम पर ठग रही है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को अवश्य देगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार चारों की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। चुनाव आयोग ने पूरे देश भर के चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 4 जून को देश भर के चुनावों के इकट्ठे नतीजे निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक संसदीय बोर्ड ने, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने 2 लोकसभा चुनावों की सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 की अति शीघ्र होने वाली है, संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों को पिछली बार के लोकसभा चुनावों की तरह इस बार और अति मार्जिन से जीतेगी और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर बनेंगे, ये सब कुछ निश्चित है। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों में 10 झूठी गारंटियां, जिनके बल पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, वो सब अभी 1.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का होने जा रहा है, तो ये सब झूठ के पुलिंदे निकले। एक भी गारंटी जो है वो सही मायने में कांग्रेस ने पूरी नहीं की। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1500 रुपये हर महिला को मिलेंगे। ये सब एक ढकोसला निकला मात्र। जब चुनाव थे तो उस समय हर गली में, हर नुक्कड़ में इनके हर एक नेता ने कहा था कि एक महिला को 1500, दूसरी होगी घर में तो 3000, तीसरी को 4500, चौथी को 6000 मिलेंगे, लेकिन ये सब झूठ का पुलिंदा निकला। इनके कार्यकर्ता भ्रमित करने का प्रयास लोगों को कर रहे हैं, महिलाओं को अभी भी किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार की नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी की है उसमें दर्शाया गया है कि जिस घर में पहले से कोई, जिसको पेंशनर है, पेंशन मिलती है, उस घर में किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जिस घर में कोई पेंशनर पहले से नहीं है। किसी को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, किसी को अपंगता पेंशन मिल रही है, कोई घर में कोई पूर्व कर्मचारी है, पूर्व सैनिक है। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें ऑलरेडी पहले से पेंशनर नहीं हो, तो ये फिर किसको पेंशन देने जा रहे हैं। इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि हम लोग महिलाओं को इस बारे में जागरूक करें और कांग्रेस की ये जो झूठी घोषणा है उसका पर्दाफाश लोगों के बीच में करें। और ये देश में सभी को पता है कि एकमात्र गारंटी जो है वो मोदी की ही गारंटी है, मोदी ही गारंटी है जो पूरी कर रहे हैं। जैसे सभी जो किसान हैं, सभी के खाते में हर तीसरे चौथे महीने 2000 रुपया खाते में सीधा पड़ता है। कांग्रेस के समय इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाकर 10 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन मोदी सरकार का जो ऊपर से अगर 2000 चलता है तो वो 2000 सीधा खाते में जाता है। इस तरह की कई योजनाएं, जो सैकड़ों योजनाएं मोदी सरकार की है, जो उनका लाभार्थी हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश भर में है और भारतीय जनता पार्टी ने एक लाभार्थी संपर्क अभियान छेड़ रखा है। हम उन्हीं लोगों को टच कर रहे हैं जिसको इसकी 4-4 योजनाओं का लाभ हुआ है। हम 1-2 को नहीं टच कर रहे हैं, 1-2 वाले तो देश भर में कोई भी नहीं अछूते हैं, हर किसी को लाभ मिला है। किसी को कोरोना के समय वैक्सीन लगी है, किसी को रसोई गैस मिली है, किसी को लोन मिला है मुद्रा में,
हर कोई लाभार्थी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र अभी उन्हीं 4 लाभार्थियों के साथ संपर्क कर रही है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा 4-4 लाभ दिए गए हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के बीच में जाएगी और कांग्रेस की झूठी जो गारंटी है उसकी पोल खोलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हर हाल में अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसको हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों को जीतकर हम 400 के आंकड़े को छुएंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।